क्यूरियस पीपल, डोंट बी टोटली सरप्राइज्ड। यस, हमारा चैनल साइंस का है, बायोलॉजी का है, लेकिन आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो राम मंदिर से रिलेटेड है और इसमें भी हमने साइंस ढूंढने की कोशिश की है। तो आप सबको पता है कि 5 अगस्त को हमारे पंतप्रधान मोदी जी ये राम मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हैं, इसलिए अयोध्या जाने वाले हैं। जब ये अयोध्या जाएंगे तब मिस्टर मोदी जी विल बी प्रोटेक्टेड बाय दी स्पेशल पीपल, और इनका नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इनको SPG भी कहा जाता है। तो ये प्रोटेक्ट कैसे करते हैं और इनके प्रोटेक्शन में क्या क्या साइंस यूज किया जाता है, इसके बारे में हम आज बायोबाइट्स में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून एंड स्टे क्यूरियस। तो सबसे पहले बात करते हैं ये SPG, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो आप सबको पता है जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, जब इनका असैसिनेशन हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई, एंड इन 1984 जब इसकी स्थापना हो गई तो इसके अंदर अभी ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो और उनकी फैमिली, इनका प्रोटेक्शन इस ग्रुप के द्वारा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये जानने वाली है, जो IPS ऑफिसर रहते हैं वो IPS ऑफिसर इसके इंचार्ज होते हैं इस पर्टिकुलर SPG ग्रुप के। तो ये रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग SPG ग्रुप। हम थोड़ा आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद बात करते हैं कुछ और चीज़ों की ये SPG ग्रुप के बारे में। तो ये जो SPG ग्रुप है दोस्तों, ये 3 लेयर में काम करता है प्रोटेक्शन का। आमतौर पर जब आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर को तो ये आजू बाजू में घिरे हुए रहते हैं, लेकिन इनके 3 लेयर रहते हैं और आउट ऑफ दिस 3 लेयर सेकंड लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड लेयर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रोटेक्शन करना प्राइम मिनिस्टर का, और एट द सेम टाइम खुद का भी, और थर्ड लेयर जो बाजू वाला होता है उसका भी प्रोटेक्शन करना। तो ऐसा ये 3 लेयर का प्रोटेक्शन हमारे प्राइम मिनिस्टर को होता है। ये जो कमांडोज होते हैं SPG ग्रुप में, ये ट्रेंड होते हैं और ये ट्रेन इंटरनेशनली किए जाते हैं। इसके बाद इनको हमेशा फिट रहना पड़ता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये हमेशा अलर्ट रहते हैं और ये मार्शल आर्ट भी बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने देखा होगा ये हमेशा कमांडोज कोट सूट में रहते हैं। तो डोंट थिंक कि यो अच्छा दिखने के लिए ये सूट वगैरह पहनते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली इनके जो सूट होते हैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं और ये जैकेट्स बहुत ही लाइट वेट होते हैं। तो सबसे बड़ी खासियत इसकी है ये, अगर 100 मीटर की दूरी पर से भी कोई गोली चलाए तो इनको कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ये बुलेट प्रूफ जैकेट हमेशा पहने हुए हमारे पंतप्रधान जी के आजू बाजू आपको हमेशा देखेंगे। जब भी पंतप्रधान मोदी जी या कोई भी पंतप्रधान जब पब्लिक प्लेस में जाता है तो ये इनका प्रोटेक्शन का काम करते हैं। चलिए अभी जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमेशा मुझे खटकती थी कि यार क्यों ये लोग हमेशा काले चश्मे पहनकर बाहर निकलते हैं। देखिए आप, ये सब SPG के कमांडोज हैं और हर एक ने क्या पहना है, ब्लैक ग्लास। नाउ व्हाई, बस अच्छा दिखने के लिए? No, this is where the science is. Let's see the science behind these black glasses. Whenever these commandos, they go out with our prime minister, they always have this kind of attire. तो चलिए बात करते हैं ये ग्लासेस की, इसमें क्या साइंस है और ये हमेशा ऐसे ग्लासेस क्यों पहनते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि ये इसका रीजन, ये पहनते क्यों है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आपने अभी देखा कि हमारी आंखें सही में, अगर हमारी आंखें कुछ एक्सप्रेस कर सकती है, अगर अटैकर हमारे गार्ड्स की अगर आंखें देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि इनका मूड क्या है, इनका मूव क्या है। लेकिन अगर वो आंखें छुपा दी जाए इन ग्लासेस से तो किसी को इनके एक्सप्रेशन समझ में नहीं आएंगे, एंड दीज कमांडोज कैन ईजिली मूव एंड कॉन्फिडेंटली दे कैन मूव। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है ग्लासेस पहनने का। दूसरा रीजन है और वो है दोस्तों ये, कुछ कुछ सिटीज में, इंडिया में स्पेशली विंटर में क्या होता है, कोहरा मच जाता है, उसको हम फॉग भी कहते हैं और कभी कभी हेज जैसी कंडीशन भी आ जाती है। और ये ग्लासेस होते हैं हेज और फॉग रेजिस्टेंट, मतलब अगर फॉग कंडीशंस हैं तो आदमी अगर ये जो अगर किसी आदमी ने ये पहन लिया तो वो क्लियरली फॉग के थ्रू और हेज के थ्रू आराम से देख सकता है। एंड दैट्स वाई दिस ग्लासेस आर वेरी स्पेशल एंड दिस इज हाउ हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों ये,
तो इनका जो ग्लास होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है और ये ग्लास यूजुअली डैमेज नहीं होता। बिकॉज ये ग्लास इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है कि ये डैमेज नहीं होगा, तो नेचुरली क्या होगा, हमारी आँखें और जो कमांड हमारे जो कमांडोज हैं उनकी आँखें श्योरली प्रोटेक्ट हो जाएंगी। देखिए जब भी कोई ब्लास्ट होता है तो होता क्या है, हमारा नेचुरल रिएक्शन देखिए। तो आपने देखा आँख हम हमेशा इमिजिएटली बंद कर लेते हैं, लेकिन ये ग्लासेस डैमेज नहीं होंगे तो आँखों को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारे कमांडोज बीइंग अलर्ट इमिजिएटली मूव करेंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे अगर वहाँ कोई ब्लास्ट हो जाता है। तो ये जो कमांडोज होते हैं, ये कमांडोज हमेशा अपने साथ गॉगल के साथ एक बैग लेके चलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आप धोखा खा सकते हो कि ये बैग क्यों लेके जाते हैं, क्या इस बैग में कुछ कागजात हैं या कुछ सामान है, लेकिन नहीं। तो ये जो बैग है ये भी प्रोटेक्शन में काम आता है। देखिए दोस्तों, ये जो बैग होता है इनके साथ, ये बैग एक्चुअली बैग नहीं बल्कि ये लगता तो बैग जैसा है लेकिन ये होता है एक्चुअली एक बुलेट प्रूफ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। तो जब भी कोई अटैक होता है तो इमिजिएटली ये बैग को खोला जाता है और खोलने के बाद ये एक तरह का प्रोटेक्शन बन जाता है। इससे ये प्राइम मिनिस्टर को भी बचा सकते हैं और खुद को भी बचा सकते हैं। इसलिए अभी आप देखोगे आमतौर पर जब भी प्राइम मिनिस्टर पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो ये जो कमांडोज होते हैं, ये कमांडोज ग्लासेस पहने हुए होते हैं और बहुत सारे कमांडोज के पास ये ऐसे बैग्स होते हैं सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट अवर प्राइम मिनिस्टर एनी टाइम। दिस इज वॉट बेसिकली इट इज। इन सब चीज़ों को देखकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें आज आपने जान ली और मैं तो कहता हूँ ये जो बंदा है ही डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। द वे ही इज वर्किंग फॉर आवर कंट्री, आई थिंक वी नीड मोर एंड मोर प्रोटेक्शन फॉर हिम। तो आज की वीडियो में बायोबाइट्स में यहीं रुकते हैं। जाते जाते मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कमांडोज होते हैं इनका ट्रेनिंग दोस्तों बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। ये इतना हार्ड वर्क करके कमांडोज बनते हैं और हमारे देश और हमारे प्राइम मिनिस्टर दोनों का प्रोटेक्शन करते रहते हैं। तो दीज गाइज रियली डिजर्व अ सल्यूट। देखिए एक छोटे से क्लिप में इनका ट्रेनिंग कैसे किया जाता है और ये कितना डिफिकल्ट टास्क होता है। ये देखते देखते आपको एक और काम करना है, आपका भी काम है महत्वपूर्ण है, इतना हार्ड नहीं है जिनका कमांडोज का होता है। काम आपको पता है क्या है, जस्ट आपको वो जो लाल बटन दिख रहा है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको दबाइए। अगर आपने वो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो फिर लाइक बटन आपका इंतजार कर रहा है, लाइक बटन दबाइए और मुझे खुश कीजिए ताकि मैं और ऐसे वीडियो बनाऊंगा और ऐसे साइंस की महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करूंगा। सो मिलते हैं अगले ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस।